कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि अगर बीजेपी वोट मांगने आए तो ये नारा लगाएं, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। प्रियांक खड़गे ने कहा कि मेरे परिवार और हमें जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन जो लोग संविधान में विश्वास रखते हैं, जो हमारे साथ हैं, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। चिंचोली सांसद ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी रील है और भाजपा की गारंटी असली है, और प्रियांक खड़गे ने रील और रियल गारंटी का जवाब दिया कि हमारी सरकार में पेट्रोल की दर 60 रुपए थी और अब भाजपा सरकार में पेट्रोल की दर 100 रुपए है, और उन्होंने लोगों से पूछा कि ये रील है या असली। मुझे और मेरे खानदान को खत्म करने की साजिश है या कोशिश है, कोशिश कितने भी करने दीजिए उनको, जब तक हर एक आदमी जो संविधान में विश्वास रखता है वो हमारे पीछे खड़े हैं, हमको कुछ नहीं बोला है। चिंचोली एमपी ने बोला है कि कांग्रेस के गारंटी रील है और उनके गारंटी रियल है। रील यानी के हम चुप दिखाने के लिए है, सिनेमा के लिए है, एडवर्टाइजमेंट के लिए है, और उनका गारंटी असलियत में है। मैं उमेश यादव जी को एक उनका एक स्लोगन याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारी बहनों को और माताओं को बहुत अच्छी तरह याद होगा। जब वो आए तो ये स्लोगन जरूर दोहराएगा उनके सामने, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 10 साल हो गए, महंगाई क्या कम हुई कि ज्यादा हो गए? ज्यादा हो गई। उमेश यादव थोड़ा आंख खोल के देखो सच्चाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाहर आइए, व्हाट्सएप से बाहर आइए, फेसबुक से बाहर आइए, आम आवाम से मिलिए, तब आपको पता चलेगा कि महंगाई बड़ी है कि घटी है। जब कांग्रेस सरकार थी तो पेट्रोल का भाव 60 था, अभी कितना हो गया सेठ अजमल सेठ? 100 रुपए, अब की बार 100 के पार। डीजल जब हम थे 55 था, अभी 90। सिलेंडर जिससे आपका घर चलता है, रसोई चलता है, जब हमारे टाइम पे 350 था, आप सब लोग चूल्हा वूल्हा लेके प्रोटेस्ट कर दिए, आप सब लोग बाहर आके चूल्हा लगा के मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिए। अभी 900, 1000, 1100, 1200 कि जेब काटेंगे आपका, इसी गारंटी पे तुलोगे आप। 1 लीटर दूध जब हमारी सरकार थी तो 35 रुपीज थी, अभी 55 रुपए है। एक ही नहीं 55 है, बड़ा अच्छा क्वालिटी ब्रांडेड है तो 60-100 तक जाएगा। आप भूल गए शायद, आप बोले हम बोले थे कि हमारी किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। रियल है कि रील है? रील है। मनमोहन सिंह साहब ने 72,000 करोड़ फार्म लोन वेवर किया, आपने क्या किया? किसानों की हत्या की। ये रियल है, रियल नहीं है। आपने बोला था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे सालाना, 1 साल में 2 करोड़ कितने होने चाहिए थे अब तक? 20 करोड़। 20 करोड़ हमको रोजगार मिले? नहीं मिले। रियल है कि रियल है? रियल है, रियल है। आर्टिकल 371 जे आपने उसको दुखारा था, आपने उसको रिजेक्ट किया था, धर्म सिंह साहब ने, खड़गे साहब ने, कमरुल इस्लाम साहब ने मेहनत करके जाके हर पार्टी प्रेसिडेंट से मिलके, हर एक एमपी से मिलके संसद में 371 जे पास किया। ये रियल है। इससे हमको एजुकेशन में रिजर्वेशन, हमको जॉब्स में रिजर्वेशन, और इस साल हमको केकेआरडी में 5,000 करोड़ मिल रहे हैं उमेश यादव जी। ये रियल है, ये असलियत है। जो आप बोलते हैं ना वो झूठ है। 12 लाख करोड़ आपने कर्जा माफ किया, किसका? अदानी अंबानी का। और हमारे किसानों का, हमारे गरीबों का आपने कुछ नहीं किया। कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, मिनिमम
बैलेंस मेंटेन करने के लिए बैंक में, लास्ट टाइम आपको याद है मोदी जी ने क्या बोला था, बीजेपी वालों ने क्या बोला था, आप उस जीरो अकाउंट बैलेंस खोल दो, बोले कि नहीं बोले थे, बोल के क्या बोले, आप जीरो अकाउंट बैलेंस खोल दो, बाहर से 15 लाख रुपए पूरा काला धन लेके 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालूंगा करके, बोले कि नहीं बोले थे। अभी उसी बैंक अकाउंट मेंटेनेंस के लिए कल SBI ने 35,000 करोड़ लिए हैं। मिनिमम बैलेंस अकाउंट आपने मेंटेन नहीं किया करके आप